तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं निशु स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आ गई मैं एक नई वीडियो के साथ और वीडियो अपने रूम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है सोमवार का फास्ट, यानी कि मतलब हर मंथ लेती हूँ और अब आज मतलब ये मतलब जुलाई का फर्स्ट सोमवार नहीं, दूसरा सोमवार है, मतलब मैं तो बीच में ले रही हूँ। तो मैं महीने का एक सोमवार रखती हूँ हमेशा और अब सावन लगने वाला है, सावन के भी सोमवार आएंगे तो वो भी रखेंगे हम, उसमें वहाँ शिवालय जाएंगे। तो अभी मैं नहा धो के तो रेडी हो चुकी हूँ और जाती हूँ मैं अपने पूजा कक्ष में पूजा करने। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में पूजा करके, ठीक है? फाइनली पूजा हो चुकी है, मैं पूजा करके नीचे आ गई और अपने लिए लाई हूँ चाय। चाय पीती हूँ, मैंने सुबह से एक बार भी चाय नहीं पी है। चाय पीती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मैं पता नहीं क्या करने, बकरी गुड़ाई करने, देखती हूँ बताती हूँ आपको आगे। पहले मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ, बालाल बनाती हूँ, वैसे ही गीले हो रखे, सूखे नहीं है, मुझे वैसे ही बनाना पड़ता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो, ये है मेरी चाय और गुड़। फाइनली दोस्तों मुझे काम मिल रखा है खेत में जाने का, गुड़ाई करने का। मैं जा रही हूँ खेत में और हमारी बुढ़न चले गई है बकरी के ग्वाले। कोई तो हमारी ईजा गई है बकरी के ग्वाले, मतलब बहुत नीचे हकाई हुई है, वहाँ से देख के आती हूँ। बोल रहे थे मेरे से, बोल रहे थे थोड़ा गुड़ाई करके आ, आज थोड़ा मौसम साफ सा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं गुड़ाई करने। तो मिलती हूँ आपको मैं गुड़ाई वाले खेत में। तो बने रहे हैं ब्लॉग पे, मैं जाती हूँ आगे। तो मिलती हूँ आपको गुड़ाई वाले खेत में। नन्ना खाई ले वो गोड़ा खाई ले तू नन्ना क्यों ले रही है क्या आज मेरे को काम मेरे को भगवान ने नहीं दिया मंदिर का मंदिर। अरे अच्छा शिवालय को जाजी कौन सा घूमने आले आई हो जहरो ये है ही है गिला गिला है ही है खाओ से तो आ बगरा में नहीं गई हट को जरो मारो तो ये ना हाक थियो है तो बगर को जरो का बन। अच्छा हाँ 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 और इनमें ये तो झूमर है, ये किसे झूमर है? हाँ इधर मधुर लग रही है यार, इधर मोट इधर में बाल बनी मोटे हैं वो मो मुझे। तो फाइनली मैं यहाँ पे अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पे गुड़ाई स्टार्ट करती हूँ। बहुत टाइट हो रहे हैं मिर्ची के खेत।
थोड़ा टाइट है भाई, हाथ में भी दर्द हो गई थी। अब बारिश ना हो यार से। हाय यार, ये पत्थर पहाड़ में रहना इजी नहीं होता। कोई सोचता है ना पहाड़ में रहना बड़े अच्छा है, शुद्ध हवा शुद्ध पानी, उसके लिए मेहनत भी वैसी करनी पड़ती है। होने को पहाड़ अच्छा है लेकिन रहना बहुत मुश्किल है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है पहाड़ में रहने के लिए। ये तो खेत खुदा पड़नी हो कर सकला कोई। आसान बात नहीं पहाड़ में रहना, पहाड़ वाले भी कैसे कैसे काम करके हल जोतते हैं, खाद डालते हैं, कांटे काटते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं, फिर रोपाई करते हैं, फिर गुड़ाई करते हैं, फिर कटाई करते हैं, उसके बाद उनको मिलता है। और उसमें भी कभी कोई जानवर खा लेता है, कभी कोई जानवर खा लेता है, कभी कुछ होता है। बहुत किसान के लिए तो धनी है, चाहे हम ही नहीं और भी सारे, मतलब बहुत ही करना पड़ता है किसान को, बहुत काम बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आइया ये देखो, ये स्ट्रगल होना पड़ता है, पेड़ पड़ जा रहे हैं, वो तो अभी गीला है लग जाएगा वरना। मुटके क्या करें, हम तो अपनवा जा रहे हैं, तुम करो अपन ढूंढ चाड़ो। चाची लाई थी चाय, चाय पी के आ गई हूँ, अब फिर से आ गई हूँ अपने खेत में। सर्दी लग गई बहुत ज़्यादा, चाय पी के थोड़ा पेट में राहत मिली। आज फास्ट है ना, वैसे ही हलल हलल हो रही है। ये देखो आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। वही तो मैंने गोड़ दिया है, वही तो सारा और रह रखा है। गोड़ती हूँ फिर से अब।